अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मैं आपके सामने आयत जो पेश करी हूँ, इस तीसरा पारा तिलका रसूल, बहुत ही प्यारी आयत, आयतुल कुर्सी, अल्लाह की कुर्सी, सूरह बकरा के सरदार, कुरान पाक की सबसे अफजल आयत इसे करार दिया गया है। उसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आयतुल कुर्सी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क्यूम ला तअख्ज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध من الذي يشفع عنده لا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم سبحان الله اللہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے वो ना सोता है ना उसे उंग लगती है ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है कौन है जो उसकी जनाम उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है जो कुछ उनसे ओझल है उसे भी वो वाकिफ़ है इसकी मालूमात में से कोई चीज़ इनके गिरफ्त और इदराक में नहीं आ सकती अल्लाह ये कि किसी चीज़ का इल्म खुद ही उनको देना चाहे उसकी हकूमत आसमान और ज़मीन पर छाई हुई है उनकी निगरानी उसके लिए कोई ठिकाना देने वाला काम नहीं है बस वही एक बुजुर्ग और बढ़ते ज़ात है। असल में लफ्ज़ कुर्सी इस्तेमाल हुआ है जिसे मामूम हकूमत इक्तदार के लिए इस्तेहारे के तौर पर बोला जाता है। उर्दू ज़बान में भी अक्सर कुर्सी का लफ्ज़ बोलकर एक माना इख्तियारात मुराद लेते हैं। इसी लफ्ज़ की रायत से आयत आयतुल कुर्सी के नाम से मशहूर है। इसमें अल्लाह ताला को की ऐसी मुकम्मल मार्फत बख्शी गई है जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। इसी बिना पर हदीस में इस कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। सूरह बकरा की सरदार कहा गया है आयतुल कुर्सी, अल्लाह की कुर्सी।